नमस्कार। पहले पतंजलि और अब नेस्ले इंडिया, इनके लिए समय अच्छा नहीं चल रहा। मार्केट में नेस्ले शेयर्स में गुरुवार को अचानक 5.4% तक की गिरावट आई और इसके साथ ही ये बीएसई पर 2409.55 रुपए के निचले स्तर पर पहुंच गया। स्टॉक एक्सचेंज ने भी कंपनी से इस मामले पर सफाई मांगी थी। गौरतलब है कि गिरावट तब देखी गई जब एक रिपोर्ट में एक खुलासा हुआ कि मल्टीनेशनल एफएमसीजी कंपनियां भारत में बेचे जाने वाले बेबी फूड प्रोडक्ट में चीनी मिलाती है। पिछले 3 सालों में ऐसा पहली बार हुआ है जब नेस्ले के शेयर एक दिन में इतने गिरे। सरकार ने न्यूज़पेपर में छपे हुए एक आर्टिकल पर एक संज्ञान लिया जिसमें इस बात का खुलासा हुआ था कि नेस्ले भारत जैसे लेस प्रॉस्पेरियस कंट्रीज में बेचे जाने वाले बेबी फूड प्रोडक्ट में चीनी मिलाती है। आपको बता दूं कि नेस्ले ये काम यूके और यूरोप में नहीं करता है और ये खुलासा तब हुआ है जब स्विस इन्वेस्टिगेशन ऑर्गेनाइजेशन पब्लिक आई और IBFAN ने एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में बेचे जाने वाले नेस्ले के बेबी फूड्स के सैंपल्स को टेस्ट किया। ये टेस्टिंग बेल्जियम के एक लेबोरेटरी में की गई थी और इसके बाद नेस्ले ने मामले पर अपनी सफाई स्टॉक एक्सचेंज को दी, जिसमें कंपनी ने कहा कि बेबी फूड हाईली कंट्रोल कैटेगरी में आते हैं। हम जहां भी काम करते हैं वहां के स्थानीय कानून और अंतर्राष्ट्रीय मानकों का पालन करते हैं। न्यूज एजेंसी ANI ने बताया कि भारत सरकार ने भी इस मामले में संज्ञान लिया है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी FSSAI ने कहा कि पब्लिक आई और इंटरनेशनल बेबी फूड एक्शन नेटवर्क की रिपोर्ट के आरोपों की जाँच की जाएगी। FSSAI ने कहा कि इसे वैज्ञानिक पैनल के सामने भी रखा जाएगा। अगर हम बाकी देशों में प्रोडक्ट की बात करें तो सबसे ज्यादा फिलीपींस में 1 सर्विंग में 7.3 ग्राम शुगर मिली है, वहीं नाइजीरिया में 6.8 ग्राम और सेनेगल में 5.9 ग्राम शुगर बेबी फूड्स में देखने को मिली है। इसके अलावा 15 में से 7 देशों में प्रोडक्ट के लेवल पर शुगर होने की जानकारी ही नहीं दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक नेस्ले भारत में करीब सभी बेबी सेरेलेक प्रोडक्ट के हर एक सर्विंग में करीबन 3 ग्राम शक्कर मिलाती है। वहीं 6 महीने से 24 महीने तक के बच्चों के लिए बिकने वाले 100 ग्राम सेरेलेक में टोटल 24 ग्राम शुगर की मात्रा होती है। रिपोर्ट में नेस्ले पर यह भी आरोप लगाया गया कि नेस्ले अपने प्रोडक्ट में मौजूद विटामिन, मिनरल्स और अदर न्यूट्रिएंट्स को तो मेंशन करती है, लेकिन शुगर मिक्स के मामले में कंपनी ट्रांसपेरेंसी नहीं दिखाती। जबकि अगर WHO की गाइडलाइन के हिसाब से देखा जाए तो 3 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए फूड में कोई शुगर या मीठे पदार्थ का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि भारत में बेबी फूड्स में एक्स्ट्रा शुगर की मात्रा को लेकर कोई अपर लिमिट ही सेट नहीं है और इसे देखने वाली संस्था सिर्फ प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट जैसे न्यूट्रिएंट्स को या फिर विटामिन सी, डी, आयरन और जिंक जैसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की जरूरतों को तो देख लेती है। इंडियन रूल्स के मुताबिक अनाज वाले बेबी फूड्स में कॉर्न सिरप और माल्ट का इस्तेमाल किया जा सकता है। कार्बोहाइड्रेट सोर्स के तौर पर सुक्रोज और फ्रक्टोज का इस्तेमाल भी किया जा सकता है, पर शर्तें इनकी मात्रा कार्बोहाइड्रेट से 20% से कम होनी चाहिए। ज्यादा शुगर खाने से ह्यूमन बॉडी को नुकसान होता है। अगर हम बच्चों की जगह वयस्कों की बात करें तो ज्यादा मीठी चीज खाने पीने से हाई ब्लड प्रेशर और दिल की बीमारी का खतरा बढ़ जाता है। इसके अलावा शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ता है और डायबिटीज भी हो सकती है। इतना ही नहीं बल्कि शुगर ज्यादा खाने से अल्जाइमर का खतरा भी हो सकता है, दांतों में कैविटीज की समस्या भी हो सकती है और इसका मेंटल हेल्थ पर भी बुरा असर पड़ता है। डॉक्टर्स बताते हैं कि चीनी खाने से व्हाइट ब्लड सेल्स 50% तक कमजोर होती हैं, जिस कारण इससे इम्यूनिटी भी वीक हो जाती है। इसके अलावा इससे लीवर में फैट भी स्टोर होता है। और जब इतनी बड़ी बीमारियां बड़ों को हो सकती हैं तो बेहद कम उम्र के बच्चों में शुगर की मात्रा का ध्यान नहीं रखना एक बड़ी लापरवाही को दिखाता है। इसकी तरफ सरकार को ठोस कदम उठाना चाहिए। तो वहीं खाने पीने के मानदंडों को देखने वाले संस्थाओं को भी इस तरफ अपना ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है कि आखिर कैसे उनकी नजरों से इस बात की अनदेखी हो रही है। आज सरकार को अपने वोट बैंक की चिंता है, पर क्या सरकार को लगातार इस बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए कि आखिर उनके देश की जनता को खाने की जगह जहर दिया जा रहा है। हम सभी जानते हैं और रोज किसी न किसी जरिए हम तक ऐसी वीडियोस भी आती हैं जिसमें दूध में डिटर्जेंट मिलाने की बात सामने आती है, फलों को सुंदर और ताजा दिखाने के लिए कलर मिलाने की बात भी आती है, पर इस बात पर कभी किसी तरह का कोई एक्शन नहीं लिया गया, जिससे लोगों में अब डर पैदा कम होता है
और शायद इसी कमी को नेस्ले जैसी तमाम कंपनियां जानती हैं और समझती भी हैं। इसलिए जिस काम को करने की हिम्मत उन्हें अमेरिका, ब्रिटेन जैसी कंट्रीज में नहीं होती, वो भारत में करते हैं। भारत के इतिहास में शायद ही ऐसा कभी हुआ होगा कि खाने की चीजों में मिलावट करने वाली कंपनियों को भारी जुर्माना भरने के लिए कहा गया, लेकिन ये दस्तूर है जो चला रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो भारत का हर बच्चा, हर बूढ़ा बीमारियों से ग्रस्त होगा। आप किस पर कह रहे हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।